गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की बुक कल्पतरु हिंदी पाठमाला का पहला लेसन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपकी अंतिम छह लाइनों की छह पंक्तियां इस प्रकार से हैं। ठीक, पंक्तियां हैं, सन्मुख प्रलय का पथ पड़ा, तूफान भी आकर अड़ा, यह सोच कर ही मैं बढ़ा, निर्माण का अवसर मिला, खोना इसे अच्छा नहीं, संसार है संसार है। शिवमंगल सिंह सुमन की ये संसार है संसार है नामक कविता की अंतिम छह पंक्तियां हैं। हम इसकी संदर्भ व्याख्या देखेंगे। हमने पहले वीडियो में इसका संदर्भ प्रसंग बताया था, तो इन पंक्तियों के लिए भी संदर्भ और प्रसंग आपके पूर्वत रहेंगे। हम इसकी व्याख्या पे चर्चा करेंगे। ठीक, व्याख्या देखते हैं। सन्मुख प्रलय का पथ पड़ा, तूफान भी आकर अड़ा, अर्थात यह संसार जो है वह क्षणिक है, अर्थात क्षण मात्र में कब प्रलय की स्थिति आ जाए यह कोई जानता नहीं है। तूफान भी आकर अड़ा, और जो मानव जीवन है यह, उसमें तमाम जो है सामाजिक झंझावात, मानसिक झंझावात तूफान की भांति हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक, इन सभी हमें जो जो तूफान है सामाजिक मानसिक या किसी भी तरीके का जो झंझावात है, हमें इससे डरना नहीं है और प्रलय से घबराना नहीं है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य के मार्ग को, अपने कर्म को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह सोचकर ही मैं बढ़ा, निर्माण का अवसर मिला। अतः हम सभी लोगों को, सभी मानव जीवन प्राप्त मनुष्यों को यह सोचकर आगे बढ़ते रहना चाहिए कि यह निर्माण का अवसर संपूर्ण मानव जीवन में एक ही बार मिला है, यह बार बार नहीं मिलेगा। अतः हमें निर्माण के अवसर का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, खोना इसे अच्छा नहीं, इसे किसी भी प्रकार से हमें ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद होने देना नहीं है, इसका जो है हमें सदुपयोग करना है। संसार है संसार है।